गुड मॉर्निंग एवरीवन आज हम देखेंगे चैप्टर ट्वेंटी सिक्स ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस का पार्ट टू जिसमें हम नया कैटेगरी देखेंगे एंटी अरेथमिक ड्रग्स इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और उसके वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता बहुत लोगों में तो इसलिए एंटी अरेथमिक ड्रग्स को हमने दो पार्ट में बनाया है तो आज हम सिंपली बेसिक देखेंगे एंटी अरेथमिक ड्रग्स का व्हाट इज अरेथमिया ये डिस्कस करेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरेथमिक ड्रग को हम आज डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ अरेथमिया एंड एंटी अरेथमिक ड्रग्स अरेथमिया इज द डिस्टर्बेंस इन कार्डियक रिदम जो नॉर्मल रिदम रहता है कार्डियक सिस्टोल एंड डाइस्टोल रिदम जो रहता है उसमें जब डिस्टर्बेंस आता है और नॉर्मल से वो जब अनयूजल हो जाता है उसे हम अरेथमिया बोलते हैं एंटीआरेमिक ड्रग्स क्या होते हैं दिस आर कंपाउंड यूज टू करेक्ट कार्डिया करेमिया ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं और एजेंट्स होते हैं और ड्रग्स होते हैं जो कि हम लेते हैं और पेशेंट लेता है टू करेक्ट कार्डिया करेमिया जो पेशेंट को कार्डिया करेमिया हुआ है वो करेक्ट करने के लिए ये ड्रग यूज़ होता है आफ्टर दैट एंटी ड्रग्स एंटीफाइब्रिलेटरी ड्रग्स क्या होते हैं ड्रग विच Prevents development of atrial or ventricular fibrillation are known as anti-fibrillatory drugs. so anti-fibrillatory drugs ऐसे condition में देते हैं जब आपका cardiac arrhythmia का एकदम severe हो जाता है, 320 beats per minutes पे जाता है और बहुत ही ज़्यादा heart beat आपका बढ़ जाता है और rhythm बिगड़ जाता है, ऐसे कंडीशन में हम ये ड्रग देते हैं दैट इज एंटीफाइब्रिलेटरी ड्रग्स कार्डियक अरिथमिया ऑकर्स बिकॉज़ ऑफ डिस्टरबेंस इन इंपल्स फॉर्मेशन एंड डिस्टरबेंस इन इंपल्स कंडक्शन तो दो वजह से हमारा कार्डियक अरिथमिया होता है एक तो डिस्टरबेंस इन इंपल्स फॉर्मेशन तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसएनोड जो है ये हमारे बॉडी का और हमारे हार्ट का स्पेस मेकर है जो कि हमारे कार्डियक रिदम को मैनेज करने का काम करता है इसके अलावा कभी कभी क्या होता है देयर इज अक्टोपिक पेस मेकर देयर इज़ अ इक्टोपिक पेस मेकर जो कि इतना एबल हो जाते हैं कि वो कार्डियक रिदम को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं जिसे हम इक्टोपिक पेस मेकर बोलते हैं तो ऐसे कुछ सेल होते हैं कार्डियक सेल और कार्डियक मसल्स के अंदर कि जो कि आपके इम्पल्स फॉर्म करते हैं और इम्पल्स और स्टिमूलाय फॉर्म करते हैं जिसके वजह से देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन रिदम ऑफ हार्ट ठीक है रिदम ऑफ हार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जिसके वजह से अरेथमिया होता है और सेकंड है डिस्टरबेंस इन इंपल्स कंडक्शन तो इंपल्स कंडक्शन जो है बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल वहाँ पे जो इंपल्स का कंडक्शन है उसमें जब डिस्टरबेंस आता है इसके वजह से भी कार्डियक एरेथमिया होता है मीन्स जो नॉर्मल रिदम है वो आपका हार्ट का बिगड़ जाता है जो नॉर्मली फंक्शन करता है उसमें डिस्टर्बेंस आता है मोस्टली ये कब होता है जब There इज़ अ प्रॉब्लम इन हार्ट और जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कार्डियोटॉनिक्स में वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होता है बिकॉज कार्डियोटॉनिक्स डायरेक्टली एक्ट करते हैं मायोकार्डियम लेयर ऑफ वेंट्रिकल्स जिसके वजह से वहाँ पे भी डिस्टरबेंस आता है और वैसे कार्डियोटॉनिक की वजह से कार्डिया करेतमिया होने के चांसेस होते हैं अभी हम देखते हैं टैकिअरेस टैक्यस आर एसोसिएटेड विथ इक्टोपिक एक पेसमेकर एक्टिविटी तो टैकिअरे जो होते हैं ये एसोसिएट होते हैं विथ इक्टोपिक एक पेसमेकर एक्टिविटी जैसा कि मैंने बोला कि अदर देन ऐसे नोड जो होते हैं सम स्पेशलाइज कंडक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं डिस्चार्ज करते हैं इेगुलर एंड रिदमिकली इंपल्स ठीक है सॉरी तो टैकी में क्या होता है कि पे क्या हो करते हैं कि भाई इेगुल इरेगुलरली एंड रिदमिकली डिस्चार्ज करते हैं इम्पल्स अदर देन ऐसे नोड जिसके वजह से जो रिदम होता है हार्ट का वो बिगड़ जाता है और हार्ट अरिदमिकली बहुत ज्यादा पंप करता है और सिस्टोल डायस्टोल एक्शन प्रोड्यूस करता है डिफरेंट डिफरेंसेस अमॉन्ग वेरियस अरे कुड बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इक्टोपिक फोकस तो इक्टोपिक फोकस के बेसिस पे वेरियस काइंड ऑफ टैकियरिया डिफ्रेंशिएट किए गए हुए हैं इक्टोपिक पेसमेकर विद रेट ऑफ वन सिक्सटी टू वन एटी पर मिनट। तो इक्टोपिक पेसमेकर का स्टिमूला अगर एक सौ साठ से एक सौ अस्सी पर मिनट होता है तो उसे हम टैक्डिया बोलते हैं और आपका हार्ट बीट जो है 162 सिक्सटी टू वन पर मिनट होता है तो उसे हम टैकिकारिया बोलते हैं इफ रेट इज बिटवीन 220 टू 300 हंड्रेड पर मिनट तो उसे हम फ्लटर बोलते हैं और हाई रेट्स ओवर 350 पर मिनट उसे हम फाइब्रिलेशन बोलते हैं और इसमें हम एंटी फाइब्रिलेशन ड्रग देते हैं अब हम देखते हैं बेसिक एक्शन ऑफ एंटी अरेथमिक ड्रग तो फर्स्ट है स्लोइंग ऑफ डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन जो डायस्टोल होता है जो रिलैक्सेशन पीरियड होता है ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन उसे स्लो करना जिसके वजह से डिक्रीज इन एनहांस ऑटोमेटिक सिटी ऑफ इक्टोपिक फोसाई और फोकाय क्लोज कंडक्शन वेलोसिटी तो जो एंटी एरेमिक ड्रग है ये कैसा एक्ट करता है तो फर्स्ट डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन को हम स्लो करेंगे उसमें क्या होगा कि भाई डिक्रीज इन एनहेंस ऑटोमिकटोमिसिटी ऑफ एक्टोपिक फोका है जो अदर देन नोड के अलावा जो स्पेशलाइज टिश्यू है और सेल है जो कि इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं जिसके वजह से रिदम डिस्टर्ब हो गया है हार्ट का वो डिक्रीज हो जाएगा और कंडक्शन वेलोसिटी भी स्लो हो जाएगी तो टैकी टैकिअरे वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा आपका हार्ट जो है वो नॉर्मली बिहेव करेगा देन एलिवेशन ऑफ थ्रीशोल्ड पोटेशियम ऑफ सॉरी थ्रीशोल्ड पोटेंशियल ऑफ मायोकार्डियक सेल तो थ्रीशोल्ड पोटेंशियल ऑफ मायोकार्डियल मायोकार्डियल और मायोकार्डियक सेल इसमें क्या रहेगा कि भाई स्टिमूलाई के बाद जो एक्शन पोटेंशियल होता है बिटवीन मायोकार्डियल सेल और मायोकार्डियक सेल उसका हम थ्रिशोल्ड पोटेंशियल बना दे बढ़ा देंगे अगर फॉर एग्जांपल माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट अगर उसका थ्रिशोल्ड पोटेंशियल है तो उसको हम माइनस नाइन्टी माइनस सॉरी माइनस फिफ्टी ऐसा बढ़ा देंगे जिसके वजह से जो है सॉरी 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 एलिवेशन ऑफ थ्रिशोड़ पोटेंशियल ऑफ मायोकार्डियल सेल इसमें हम क्या करेंगे कि थ्री शोल्ड जो है समझ लीजिए एक्शन पोटेंशियल का माइनस सेवेंटी है तो उसको हम माइनस नाइन्टी पे लेके जाएंगे जिसके वजह से इम्पल्स जनरेशन नहीं होगा और वो पर्टिकुलर सेल में स्टिमुलाई जनरेट नहीं होगा जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा ठीक है एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो सेल इनएक्टिव स्टेज में रहेगा और उसके वजह से अरेथमिया डेवलप नहीं होगा तो जैसा कि हमें बेसिक अगर हम सेलुलर लेवल पे जाते हैं तो सेल तभी रिएक्ट करता है जब कोई एक्सचेंज होता है बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर आयंस ठीक है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर आयंस में जब एक्सचेंज होता है देन देअर इज अक्शन पोटेंशियल तो एक एक्शन पोटेंशियल लगता है किसी भी सेल को रिएक्ट होने के लिए तो उसका थ्रीशोल्ड जो है हम बढ़ा देंगे उसका थ्रिशोल्ड पोटेंशियल हम बढ़ा देंगे जैसा कि माइनस सेवनटी लगता है तो ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन क्या होता है कि भाई सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है मीन सेल के अंदर जाता है जिसके वजह से सेलुलर पॉजिटिविटी बढ़ता है तो सेलुलर पॉजिटिविटी बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई ऐसा ड्रग प्रोवाइड करेंगे मायोकार्डियल सेल में कि जिसके वजह से वो सेल का एक्शन पोटेंशियल ही बढ़ जाए मीन्स माइनस सेवेंटी से माइनस नाइन्टी पे लेके जाएंगे मीन्स मोर अमाउंट ऑफ सोडियम चैनल सॉरी मोर अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस लगेंगे वो सेल को एक्टिवेट करने के लिए और डूइंग देयर वर्क ठीक है डूइंग हिज वर्क और डूइंग देयर वर्क ठीक है तो वो सेल को एक्टिवेट होने के लिए ज़्यादा सोडियम आयन लगेंगे जिसके वजह से वो सेल इजीली आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाएगा और स्टिम्यूलाय जनरेट नहीं कर पाएगा अगर उसने एक बार स्टिम्यूलाई जनरेट कर लिया तो वो सेल ने जनरेट कर लिया तो फिर टिश्यू में जनरेट होगा और टिश्यू में जनरेट हो गया तो ऑटोमेटिकली इक्टोपिक स्पेस मेकर करके वो बिहेव करेगा और अपना स्टिमूला अलग से जनरेट करके कार्डियक अरेथमिया प्रोड्यूस करेगा इंक्रीज इन डायस्टोलिक इंट्रासेलुलर निगेटिविटी विच प्रोलॉन्ग द स्पॉन्टेनियस डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन तो ये पॉइंट रिपीट हुआ है थ्री एलिवेशन ऑफ थ्रीशोल्ड पोटेंशियल ये भी सेम है एज वेल एज डायस्टोलिक इंट्रासेलुलर निगेटिविटी जो कि मैंने बोला माइनस सेवेंटी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं और अगर हम उसको माइनस नाइन्टी पर कर देते हैं तो अल्टीमेटली हम थ्री शोल्ड पोटेंशियल ही बढ़ाते हैं जिसके वजह से स्पॉन्टेनियस डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन जो होना चाहिए था वो स्लो डाउन हो जाएगा और स्लो डाउन हो गया तो अल्टीमेटली जो टैक् है वो धीरे धीरे नॉर्मल पे आ जाएगा और आपका अरेथमिया अरेथमिक कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगी स्लोइंग ऑफ पोटेशियम आयन इफ्लक्स फ्रॉम मायोकार्डियल सेल दैट इज री एंट्री मैकेनिज्म इज ब्लॉक तो चौथा और फोर्थ एक्शन रहेगा हमारे ड्रग का एंटी ड्रग का कि वो क्या करेगा कि जो सेल के अंदर में जो पोटेशियम आयन है और इंट्रा पोटेशियम आयन है उसको बाहर निकलने में ऑब्स्ट्रैकल प्रोड्यूस करेगा और उसका इफ्लक्स जो है वो स्लो डाउन कर देगा जिसके वजह से मायोकार्डियल सेल जो है उसमें पोटेशियम आयन ज़्यादा रहेगा और जिसके वजह से री एंट्री इज ब्लॉक तो री एंट्री मैकेनिज्म ब्लॉक हो जाएगा अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरेथमिक ड्रग्स तो फर्स्ट आता है ड्रग्स दैट डिप्रेस द मायोकार्डियम तो मायोकार्डियम को डिप्रेस करने वाले ड्रग फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं उसमें आता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली ऑलवेज डिप्रेशन तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली मीन्स रिलेटेड टू अवर्स आयन लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयन जो है जो कि हमारे मायोकार्डियल सेल में होते हैं वहां पे ये ड्रग जो है डिप्रेसेंट एक्शन दिखाते हैं तो उसमें आएगा क्विनिडिन प्रोकेनामाइड, पोटेशियम उसके बाद इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली पार्शियल डिप्रेशन जो मायोकार्डियम सेल है वहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन जो है जिसके वजह से मायोकार्डियल लेयर फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती है उसको डिप्रेस करने के लिए जो हम एजेंट यूज़ करते हैं वो क्लास वन एजेंट है जिसका नाम है ड्रग दैट डिप्रेस द मायोकार्डियम तो उसमें हमने पहला देख लिया इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकली ऑलवेज डिप्रेशन तो उसमें आएगा क्विनिडिन प्रोकेनामाइड और पोटेशियम दूसरा आएगा पार्शियल डिप्रेशन पार्शियल डिप्रेशन उसमें आएगा लिग्नोकेन फिनोटोइन फिर सेकंड ड्रग है ड्रग एक्टिंग थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी ड्रग एक्ट होते हैं और इनडायरेक्टली जो टैकिकार्डिया है और कार्डिया करेतमिया है उसको मॉड्यूलेट करने का काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी होता है विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स तो उसमें कौन से आएंगे तो फर्स्ट आएगा सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स तो सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स नथिंग बट आ, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग जिसमें बीटा ब्लॉकर आते हैं बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल है प्रोप्रेनोलॉल और प्रैक्टोलॉल और उसके अलावा आएंगे कोलिनर्जिक ड्रग और उसे हम बोलेंगे पैरासिम्पेथेटिक ड्रग्स उसमें आएगा एड्रोफोनियम तो पहले पार्ट में मैंने बस इतना ही डिस्कस किया है इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू